एक मौका आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, ईमानदार गुजरात को लूट के खा रहे हैं, इन सबको जेल में डालने का काम आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो लोगों के लिए अस्पताल बनाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी, बढ़िया स्कूल बनाएगी, मुफ्त बिजली देगी। सुरेंद्रनगर की धांगध्रा विधानसभा बैठक पर दरेक राजकीय पक्षों पोताना उम्मीदवार की जीत माटे मेहनत कर रहा है, त्यारे आम आदमी पार्टी द्वारा रैली नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आपना राष्ट्रीय नेता राघव चड्ढा रैली में जोड़ाया था। रैली विविध विस्तारों में फरी हती, जेमां मोटी संख्या में लोग पण जोड़ाया था अने आपना उम्मीदवार वागजी पटेल माटे मत आपवानी अपील करी थी। आ प्रसंगे आपना राष्ट्रीय नेता राघव चड्ढाए भाजप अने कोंग्रेस पर आकरा प्रहारों कर्या हता। एक परिवर्तन की लहर, एक परिवर्तन की आंधी है और अब लगता है कि 27 साल पुराने भ्रष्ट और अहंकारी शासन को गुजरात की जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। एक ईमानदार पढ़ी लिखी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार 8 दिसंबर 2022 को गुजरात में बनने जा रही है और इस बार गुजरात के सभी लोग अच्छे अस्पतालों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, बढ़िया स्कूल के लिए, मुफ्त बिजली के लिए, महिलाओं को 1,000 रुपये की हर महीने की आर्थिक मदद के लिए वोट डालेंगे और इस चुनाव में वो सारे लोग जो पहले बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देते थे, यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के वर्कर भी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों में रहते हुए आम आदमी पार्टी को वोट डलवाने के लिए काम कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे गुजरात में, जैसे पंजाब में और दिल्ली में बनी, वैसे ही गुजरात में भी इस बार बदलाव वाली, परिवर्तन वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।